कहानी का नाम है मूर्ख बंदर। नर्मदा नदी के तट पर सेमल का बहुत बड़ा वृक्ष था। बहुत से पक्षी उस वृक्ष पर घोंसला बनाकर सुख से रहते थे। इस पेड़ के पास एक नदी बहती थी, जिसका जल पीकर ये पक्षी और राह चलते यात्री अपनी प्यास बुझाते या फिर झुलसती धूप की तापिश से बचने के लिए पेड़ की घनी छाया में विश्राम करते थे। एक दिन अचानक ही बंदरों का एक झुंड वहां आ पहुंचा। इससे पहले कि वे बंदर वहां से जाते, एकाएक ही मूसलाधार वर्षा होने लगी। वर्षा से बचने के लिए उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में जाकर दुबक गए। बंदर भी वर्षा के कारण उसी वृक्ष पर दुबक कर बैठ गए। ऐसी वर्षा में कहीं जाना तो संभव था ही नहीं। देखते ही देखते ठंड के कारण बंदर बुरी तरह सिकुड़ने लगा। जब पक्षियों के राजा ने उन बंदरों की यह हालत देखी तो उन्हें उन पर बड़ी दया आई, किंतु समर्थ बंदरों को देखकर उसे क्रोध भी आया कि ईश्वर ने इन बंदरों को अच्छे खासे दो हाथ दिए हैं, फिर भी वह मूर्ख इधर उधर इठलाते फिरते हैं और उत्पात करते रहते हैं। क्यों नहीं यहाँ अपने रहने के लिए घर बना लेते? यही सब सोचकर वह उनसे बोला, हे वानर भाइयों, आप लोग चतुर और होशियार हैं। मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आई कि आप अभी तक अपना घर क्यों नहीं बना सके। आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी अपने अपने घरों में बैठे हैं। वास्तव में सत्य बहुत ही कड़वा होता है। यही हाल उन बंदरों का था। उन्हें सच्ची बात बहुत बुरी लगी। असल में उस पक्षीराज की बात सत्य ही थी। बंदरों की जाति बहुत होशियार और चुस्त मानी जाती है। यदि ऐसे लोग भी अपने लिए कोई घर न बनाए तो कितना दुख होता है। परंतु बंदर थे कि वे इस सत्य को सहन नहीं कर सके। पक्षीराज की इस बात पर उन बंदरों को क्रोध आया। उनके सरदार ने सोचा, इन पक्षियों को इस बात का बड़ा घमंड है कि वे अपने घोंसलों में रहते हैं, इसलिए उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे इस घमंड का सिर नीचा करके ही जाएंगे। तुम लोगों ने अभी बंदर ही देखे हैं, बंदरों की बुद्धि और क्रोध को नहीं देखा। बंदरों के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। जैसे तैसे वर्षा रुकी तो उसी के साथ सारे बंदर अपने सरदार के इशारे पर हरकत में आ गए और क्रोध से भरे बंदरों ने पक्षियों के घोंसले को उजाड़ना शुरू कर दिया। पक्षियों के घोंसले पेड़ से नीचे गिरने लगे। अब पक्षीराज को पश्चाताप हो रहा था कि उसने मूर्ख प्राणियों को उपदेश देने की भूल क्यों की। जो होना था सो हो चुका था। अतः उपदेश देने से पहले पात्र की पहचान कर लेनी चाहिए। थैंक यू।